नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके साथ में महू से सनावत, खंडवा से अकोला के पूरे बचे हुए कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से आगे सनावत की ओर नया अलाइनमेंट बनाने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे की कवायद काफ़ी लंबे समय से चल रही है। पूर्व में उड़ीसा की किसी कंपनी को टेंडर अलर्ट हुआ था, उसने 80% के आसपास काम भी कर दिया था, लेकिन किसी कारण की वजह से वह बीच में काम छोड़ के चली गई थी, जिसके लिए फिर से रीटेंडर बुलाए गए। करीब 8 करोड़ 3 करोड़ से बढ़ाकर इसकी लागत कर दी गई और फिलहाल में यह टेंडर राइट्स कंपनी है उसे अलाट कर दिए गए हैं तथा यह सर्वे नई कंपनी के द्वारा लीडर या ड्रोन के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसकी लागत काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है। इस वजह से अब यह टेंडर जल्द से जल्द करने की कोशिश रेलवे कर रही है। हाल ही में नर्मदा नदी पर विशाल पुल बनाने हेतु फिर से रीटेंडर निकले हैं तथा अब जो बलवाड़ा से ओंकारेश्वर रोड सनावत के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जून तक इसके टेंडर भी निकल सकते हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो जो हमारा खंडवा बाईपास केबिन से लगा के खंडवा जंक्शन तक का कार्य है, इसका ताज़ा वीडियो आज सुबह का ही आप वीडियो के अंत में देख सकते हैं तथा खंडवा जंक्शन के काम के बारे में हमने पिछले हफ्ते आपको समीक्षा बताई थी। मध्य रेलवे के द्वारा काफ़ी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है। खंडवा जंक्शन स्टेशन पर फिलहाल में जो कार्य की स्थिति फरवरी महीने में थी वही आज भी बनी हुई है तथा आगे हम बढ़ते हैं तो खंडवा जंक्शन से आमला खुर्द की ओर कार्य वर्तमान में प्रगति में चल रहा है। गुड़ी स्टेशन के पास में अब आने वाले समय में स्टेशन वगैरह बनाने का कार्य किया जाएगा। जो पुल है, बड़े पुल वहां पर बनाए जा रहे हैं, 2-3 बन रहे हैं, उन पर फिलहाल में ऊपर स्लेब बिछाने का कार्य किया जा रहा है तथा इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो आमला खुर्द से लगा के अकोट तक के हिस्से में कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। अकोट से जो मेलघाट टाइगर रिजर्व वाला, उसमें काफ़ी दिक्कतें रेलवे को उठाना पड़ रही है। 2 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा आपत्ति लेने के बाद से ही यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में उलझ गया था कि मेलघाट टाइगर रिजर्व से होकर यह ट्रैक गुजरेगा अथवा नहीं। ये लाल चौकी क्षेत्र में जहाँ भी काम बाकी है ये अहमदपुर के गांव की ओर जाने वाला मार्ग है, थोड़ा आधा किलोमीटर पर ट्रैक डल चुका है, अभी पटरियों की फिटिंग बाकी है होना। अहमदपुर के गांव की ओर का ये रेल मार्ग जो बिछाया जा रहा है लालचुकी से लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे है, ये स्लीपर रखे गए हैं, पटरियां रख दी गई है, फिटिंग बाकी है इनकी। आप देखेंगे कि खंडवा जंक्शन से खंडवा बाईपास केबिन तक के कार्य में काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि वर्ष के अंत तक यह खंडवा जंक्शन से लगा के सनावत तक का सेक्शन तैयार हो जाएगा तथा इस पर हमें मेमू, डेमो और अन्य गाड़ियों की सुविधा फिर से प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।